हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। लास्ट लेक्चर में आपने देखा हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो स्टार्ट किया था बहुत पहले, जिसका पार्ट वन जो बेसिक कंसेप्ट हमने दिया था आपको सिनॉप्सिस वाला, और कल ही जो है हमने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दिया और उसके साथ ही हमने पार्ट टू भी रिलीज किया। पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस पार्ट वन और पार्ट टू ये दोनों वीडियो के अंदर है। अगर आप इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये जो चैप्टर है इसका पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो देख लेते हैं तो आप पूरा चैप्टर खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज के अंदर प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसमें आपको मेरी मदद लग सकती है। कल हमने देखा था लास्ट लेक्चर में जो पार्ट थ्री वीडियो था उसमें एक्सरसाइज 3.1 पूरा एक्सरसाइज मैंने आपको दिया था सॉल्व करके, आपने उसकी प्रैक्टिस कर ही ली होगी। अब जो पार्ट टू वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके अंदर जो मैंने पूरा बेसिक कंसेप्ट बताया था वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो ये जो अब एक्सरसाइज आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके अंदर एक्सरसाइज 3.2 आज हम कवर करेंगे जितना भी होगा। इसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 12 क्वेश्चन है इसके अंदर, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है आपको मिलेगा जो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का पार्ट वन वीडियो है, उसके अंदर एंड में मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो बताया था। लेकिन फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो अभी थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक बताता हूँ और उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या है पोलर कोऑर्डिनेट। पार्ट वन वीडियो में मैंने जो आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, उसको वापस से एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओरिजिन पर। मान लो यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, पॉइंट इज पी, दैट इज एक्स कॉमा वाई। तो कोई भी एक पॉइंट होता है कार्टेशियन सिस्टम में, वो जो पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई, उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ये याद रखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये जो बोला ना फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स कॉमा वाई ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो अब इसको कहा गया है कि पोलर कोऑर्डिनेट में बदलो, तो ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। जो ये ओरिजिन है यहाँ से ये पॉइंट पी कितना दूर है वो हम देखेंगे इस तरह से। जो पॉइंट पी है इसका डिस्टेंस, ओके ध्यान से देखना, जो पॉइंट पी है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस को आप कहते हो आर। तो यहाँ पर एक आर एक टर्म आ गया, डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओके, अब इस पॉइंट पी से आप क्या करोगे, अच्छा ये जो ओ पी आया, डिस्टेंस आया ओ पी, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ट्रेस कर रहा है उसे हम कहेंगे थीटा। क्या कहेंगे, थीटा। सो अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ये आर कॉमा थीटा। अगर आप एक्स कॉमा वाई के बदले आर कॉमा थीटा लिखते हो तो इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, अगर इतना समझ में आ रहा है तो आप स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन नंबर वन में 4 सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, ये पूरा कर लोगे। अब इसके लिए रिलेशन होता है, ये जो एक्स और आर थीटा, वाई और आर थीटा का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये फॉर्मूला अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पॉइंट पी से आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो इस तरह से। ओके, अब यहाँ देखो ये थीटा है, अगर मैं यहाँ से थीटा का कॉस या साइन लेता हूँ, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, अच्छा उसके पहले देखो ये जो एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस, इसको हम एक्स लेंगे, ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल में है ये डिस्टेंस को हम वाई कंसिडर करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो, तो थीटा का अपोजिट क्या है, वाई अपॉन हाइपो क्या है, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने आर। एंड अगर मैं कॉस थीटा लेता हूँ यहाँ से, तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी एक्स अपॉन हाइपो आर, जो बेसिक रूल आपने 9th में सीखा था। तो यहाँ पर वाई क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, देखो यहाँ से ये आ गया वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और यहाँ पर एक्स क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। इसमें और एक फॉर्मूला होता है कि जो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सिर्फ आर निकालना होगा तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये भी एक बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तो कितने फॉर्मूले मिल गए आपको, यहाँ पर 3 फॉर्मूले, ये जो है रिलेशंस है पोलर और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच में। अब अगर आपको इतनी चीज़ें याद है, ये सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखना है। अब देखो आपको क्वेश्चन है ना 2 टाइप से आएंगे,
या तो इस तरह से कार्टेशियन सिस्टम होगा और बोलेंगे पोलार कोऑर्डिनेट में चेंज करो, या तो पोलार कोऑर्डिनेट दिया होगा और कहा जाएगा कि कार्टेशियन में चेंज करो। तो आप क्या करो, पहले क्वेश्चन पहचानो, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी इस तरह का x, y निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करना है, x और y की वैल्यू, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑफ द पॉइंट हुज पोलार कोऑर्डिनेट आर, ये जो पॉइंट P का पोलार कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये जो पोलार कोऑर्डिनेट होता है दैट इज इक्वल टू आर कॉमा थीटा, हमेशा याद रखो पोलार कोऑर्डिनेट इज आर कॉमा थीटा। सो आर की वैल्यू दी हुई है रूट टू, एंड ये जो थीटा है थीटा की वैल्यू है पाई अपॉन फोर, पाई अपॉन फोर मतलब 45 डिग्री, बेसिकली आपने देखा है सब। अब आगे देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, तो एक्स के लिए ये फॉर्मूला, वाई के लिए ये फॉर्मूला है। सो आप लिखते हो वी हैव, फॉर्मूला लिखो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इस तरह से फॉर्मूला लिख दो। सो x निकालना है r, r कितना है देखो रूट टू इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा है पाई बाई फोर, और वैसे ही y इज इक्वल टू r, r है रूट टू इंटू साइन थीटा है पाई बाई फोर, ये रहा देखो। सो x इज इक्वल टू रूट टू इंटू कॉस 45 याद है कितना होता है 1/√2, एंड यहाँ पर y इज इक्वल टू रूट टू है, साइन 45 कितना होता है 1/√2, रूट टू कैंसिल, सो x कितना आ गया 1 यहाँ पर, एंड y कितना आ जाएगा देखो रूट टू कैंसिल 1, सो x और y दोनों क्या आ गए 1। सो हम क्या लिखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1, 1, या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर लिख सकते हो, ये कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 1, 1, पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर और भी सब क्वेश्चन हैं, पहला मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, ये बेसिक कंसेप्ट बता दिया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये पूरा अच्छे से लिखो, एकदम दिमाग में फिट कर लो। पार्ट 1 वीडियो में मैंने इसको और डिटेल में बताया था, नहीं देखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर मैंने वापस बता दिया, ये जो मैंने बताया आप इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में और जितने सब क्वेश्चन हैं सबको इसी ट्रिक से करेंगे, ये स्टेप्स भी आप एकदम दिमाग में फिट कर लो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहले मैं दूसरा क्वेश्चन देखो, सेम वही है, क्वेश्चन नंबर 1 वही है, हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दिया हुआ क्या है पोलार कोऑर्डिनेट, तो 4, π/2 है। पहले क्वेश्चन जैसे ही आप पहले इसको r, थीटा दिखा दो और फिर दिखा दो ये जो वैल्यू है ये 4r की वैल्यू है एंड जो दूसरी वैल्यू है वो थीटा की वैल्यू है, ये जो दिया हुआ है ना ये पोलार कोऑर्डिनेट r, थीटा। कार्टेशियन करने के लिए आप क्या करोगे, वी हैव जो फॉर्मूला था x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, इस फॉर्मूले को याद कर लो एकदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से पूरा जो होगा। x की वैल्यू निकालनी है, r कितना है देखो 4, cos थीटा कितना है 90, ओके, एंड y की वैल्यू देखो r है 4 sin 90, x इज इक्वल टू 4 cos 90 क्या होता है पता है ना, cos 90 इज 0 एंड y इज इक्वल टू 4 sin 90 1, सो x 4 इंटू 0 0 एंड y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4, तो आपको क्या मिल गई वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। क्या निकालना था, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आप लिखते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर r, या तो रिक्वायर्ड लिखोगे रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स r क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, 4, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। तो ये बहुत ही आसान है, देखो इस तरह से करना है, पहला जैसे कि है वैसे ही है। तीसरा भी आपको बता देता हूँ, इसको आप सबसे पहले r, थीटा कंपेयर करोगे, देन r की वैल्यू लोगे 3/4 एंड थीटा वैल्यू आ जाएगी 3π/4, देन v हैव आप लिखते हो इस तरह से, आपके पास जो फॉर्मूला है r इज x इज इक्वल टू r cos थीटा, फॉर्मूला याद कर लो एक बार, एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा, ऐसे याद करो, x के लिए cos आता है और y के लिए साइन आता है, ओके। सो x की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू है 3/4 cos थीटा, cos थीटा क्या है देखो 3π/4 एंड y इज इक्वल टू r 3/4 sin थीटा, sin क्या है 3π/4, इस तरह से। अब देखो x 3/4 cos 3π/4 मतलब कितना, तो चेक करेंगे आप 3π/4, यहाँ रफ में चेक करो 3π/4
पाई बाई फोर मतलब कितना होता है 45, 45 टू जा 90 और 3 जा रहेगा तो 135, तो ये 135 डिग्री आ रहा है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 135 को देखो ऐसे कर सकते हो 90 प्लस 45 ऐसे करो, या 180 माइनस 45 किया तो भी चलेगा। तो कभी भी याद रखो मैंने आपको क्या सिखाया, पाई बाई टू प्लस 45 है यानी पाई बाई फोर ऐसे कर सकते हो, या पाई माइनस पाई बाई फोर कर सकते हो। तो ये पाई बाई टू लेने की कोशिश मत करो कभी भी, ये अपॉन टू होगा तो मत लो, अपॉन टू नहीं है वो लेना, लिया तो क्या होगा चलेगा आएगा आंसर, बट हमेशा ये ट्राई करो। सो ये जो 3π/4 है ये 135 है, 135 को 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, 180 मतलब पाई और 45 मतलब पाई बाई फोर। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉस पाई माइनस पाई बाई फोर करता हूँ ऐसे, और यहाँ भी वही करोगे, वाई इज इक्वल टू 3π/4 साइन है तो साइन इसको क्या करोगे पाई माइनस पाई बाई फोर। ओके 3π/4 को हमने चेंज कर दिया, ये कैसा था बेसिक था, हमने साइड में किया रफ वर्क। सो एक्स इज इक्वल टू 3π/4, देखो ये कॉस है कॉस पाई माइनस, अब आपको याद करना पड़ेगा जो ट्रिक मैंने बताया था, क्या था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, याद आ रहा होगा अगर आपको, तो ये पाई होता है बराबर और ये ज़ीरो। तो अगर कॉस पाई माइनस, पाई माइनस यानी क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो कॉस पाई माइनस करेंगे, पाई तो हट जाएगा, कॉस का कॉस आएगा और ये पाई बाई फोर आएगा, बट पाई माइनस मतलब क्या है, देखो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है और पाई प्लस थीटा होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ओके तो पाई माइनस थीटा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है कॉस निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर में आप जो ये 3/4 है इसके साथ माइनस आ जाएगा। एंड यहाँ देखो y इज इक्वल टू 3/4 साइन, पाई माइनस हटाओगे साइन का साइन रहेगा और ये पाई बाई फोर होगा। अब पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में s है, s मतलब साइन, साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस होगा। अब इसके बाद देखो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 3/4 कॉस 45 क्या होता है 1/√2, एंड ये y इज इक्वल टू 3/4 साइन 45 भी होता है 1/√2। सो क्या मिल गया आपको, x इज इक्वल टू माइनस 3 × 1 माइनस 3 4√2, एंड y की वैल्यू क्या मिल गई 3 × 1 = 3 4√2। इसको आप चाहिए तो रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं बिकॉज डिनोमीटर में रूट आया है, या तो ऐसे भी रखोगे तो चलेगा। अब यहाँ पर लिखते हो रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, जो भी आया लिखेंगे, -3/4√2 + 3/4√2। सो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देखो, इसका मैं आपको हिंट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1/2, 7π/3। तो इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखो जरा 1/2, 7, ये आप खुद से सॉल्व करने वाले लेकिन मुझे पता है ये एंगल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो ये आर की वैल्यू है, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है। अब इसका कॉस और साइन निकालना इंपॉर्टेंट है, जैसे था ना कॉस ऑफ 90 साइन 90, बस वही इंपॉर्टेंट, इसका कॉस साइन निकालना, तो कितना आएगा पता नहीं, तो ये 7π/3 है। इसको देखो कन्वर्ट करके क्या आ रहा है, देखो पाई बाई थ्री मतलब 60 होता है, 60 × 7 = 420, तो ये 420 है। तो 420 को अगर हम लोग 180 या 360 करते हैं, 360 तो 360 प्लस कितना होता है 360 + 60, ओके तो ये 360 मतलब क्या 2π और प्लस 60 मतलब π/3 इस तरह से, ओके ये किसका हुआ 7π/3 का। तो इसका जब कॉस लोगे कॉस तो 2π, देखो पाई या 2π होता है ना, तो कॉस का कॉस रहेगा कॉस और पाई बाई थ्री आ जाएगा इस तरह से, ओके अब 2π प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, आपने यहाँ देखा था, देखो ये 2π होता है, 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, तो कॉस पाई बाई थ्री कॉस 60 तो 1/2 आ गया, और वैसे ही साइन ये क्या आ जाएगा, साइन 2π प्लस पाई बाई थ्री, सो साइन 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2π हटाएंगे साइन का साइन, पाई बाई थ्री, तो साइन 60, साइन 60 इज √3/2, कितना आसानी से आ गया। तो ये खाली इसका एंगल निकालना इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद से करो, इसमें 4 सब क्वेश्चन थे, 3 मैंने करके दिए आपको, चौथा जो आपको करना है वो भी मैंने हिंट आपको दे दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, यानी कि अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है और इसका पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब पता है ना आपको, x, y दिया हुआ है और क्या निकालना है, r, θ। तो कैसे करोगे, देखो आपको r का मैंने अभी बेसिक में एक फॉर्मूला दिया था, r क्या था √x² + y²,
ये आर का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आर निकाल लो, एक्स एक्स मतलब क्या है देखो रूट टू और उसका स्क्वायर प्लस वाई, वाई क्या है रूट टू और उसका स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू रूट टू स्क्वायर इज टू प्लस रूट टू स्क्वायर इज टू। सो आर टू प्लस टू फोर, ये क्या आ गया रूट फोर, रूट फोर यानी टू। सो आपको आर मिल गया। तो एक हमें हमेशा जो पोलार है उसमें आर चाहिए, दूसरा थीटा। अब थीटा के लिए क्या करते हैं ऑल्सो, चलो ये करते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, क्या होता है फॉर्मूला देखो एक्स, एंड यहाँ पर देख सकते हो वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। चलो एक्स की वैल्यू क्या है रूट टू, आर है टू कॉस थीटा, एंड यहाँ पर वाई है रूट टू, यहाँ से देखो वाई रूट टू, एंड आर हमेशा की तरह टू है यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, एंड साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लो, टू यहाँ पर आया तो रूट टू अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड ये टू यहाँ पर आया तो रूट टू अपॉन टू इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या आ गया देखो सीधा सीधा लिखो कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो रूट टू से टू कैंसिल हुआ तो वन अपॉन रूट टू, एंड यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू से टू कैंसिल हुआ तो वन अपॉन रूट टू। इसके बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है थीटा डिसाइड करना। देखो पोलार कोऑर्डिनेट जब भी होता है ना तो जो थीटा है वो जीरो और टू पाई के बीच में होता है, याद रखना टू पाई से बड़ा नहीं होगा पोलार कोऑर्डिनेट में थीटा की वैल्यू। ओके यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन याद करो, जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन था। तो अब यहाँ पर जो थीटा है ठीक है तो वो टू पाई से कम होगा, इस तरह से हम ले सकते हैं टू पाई से कम या जीरो से ज़्यादा, या जीरो भी हुआ तो चलेगा। तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा, तो टैन थीटा वगैरह निकाल के कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो थीटा की दो दो वैल्यूज आ सकती है कभी कभी, यहाँ पर थीटा अलग आ रहा है यहाँ थीटा अलग है। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट मतलब क्या समझ रहे हो, ऐसे देखो इस तरह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से देखो प्लस प्लस याद आ रहा है नाइन्थ में किया था, माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। सो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को देखो, ये दोनों भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए हमारा जो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब कॉस थीटा जो है वन अपॉन रूट टू है, तो कॉस थीटा कब होता है वन रूट टू, देखो बट कॉस वन अपॉन रूट टू पाई बाई फोर, जब 45 होगा तब वन अपॉन रूट टू होता है। सो देयरफॉर थीटा कितना आ गया, थीटा पाई बाई फोर यानी 45। तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है ना, जीरो से ज़्यादा होता है और 90 से कम होता है, 45 यहाँ पर होता है ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बराबर, इसके लिए हमारा जो रिक्वायर्ड पोलार कोऑर्डिनेट्स आर क्या आ गया, पहले आर लिखोगे, आर क्या है टू और थीटा क्या है पाई बाई फोर, इस तरह से देखना है। यानी आपको देखना है कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है यहाँ से पता करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंग थीटा करना है। अगर ये माइनस होता तो ये प्लस और माइनस होता, तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, तब हम ऐसा कुछ करते कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा चेंज करके लाना पड़ता। क्वेश्चन नंबर टू में देखते हैं ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं 0,1/2। जैसे कि आप जानते हो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया और हमको पोलार निकालना है, कार्टेशियन दिया मतलब एक्स और वाई दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, हमेशा की तरह आर निकालोगे, आर इज इक्वल टू वॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो रूट एक्स स्क्वायर मतलब जीरो स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर, सो क्या आ जाएगा आर रूट जीरो स्क्वायर इज जीरो एंड हाफ स्क्वायर इज 1/4, सो दैट इज रूट 1/4। सो आर आ गया 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 आ गया। सो आर की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें फाइनली थीटा निकालना है। तो थीटा के लिए ऑल्सो क्या करेंगे, वी हैव एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू हमें पता है जीरो, आर 1/2 एंड कॉस थीटा, वाई वाई इज वॉट हाफ एंड आर इज ऑल्सो हाफ साइन थीटा। सो ये 1/2 का 2 यहाँ पर आया, 0 × 2 = 0, कॉस थीटा क्या आ गया 0, एंड यहाँ पर ये 1/2 यहाँ पर आ गया 2/1, 2 × 2 = 2 कैंसिल, साइन थीटा आ गया 1। सो ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गए, कॉस थीटा 0 एंड साइन थीटा 1। अब पता लगाओ कि ये कहाँ पर है, कौन से क्वाड्रेंट में, 0, हाफ, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू हाफ। तो ये देखो ये एक्स की वैल्यू 0 है मतलब वाई की वैल्यू वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है,
और ये भी पॉजिटिव है, ओके पॉजिटिव है, मतलब वाई एक्सिस का पॉजिटिव कहाँ था, ऊपर, यानी यहाँ पर है कहीं तो, ठीक है, ये है, ओके अब देखो कॉस थीटा जीरो कब होता है, सिंस कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, या तो यहाँ से लेते साइन 90 इज इक्वल टू वन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 90। अच्छा दूसरा कुछ हो सकता था क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर हमने देखा 0,1/2 जो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, ओके अब यहाँ पर लेंगे, यहाँ लिख सकते हो सिंस गिवन पॉइंट लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिखना चाहिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलार कोऑर्डिनेट्स आर, चलो पहले आर की वैल्यू लिखो, आर क्या है 1/2, फिर थीटा की वैल्यू लिखो π/2। अच्छा यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर ये जो था ना सीन, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए जब भी थीटा निकाल रहे हो यहाँ पर, हाँ सिंस √2/√2, या तो गिवन पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये ऐसे लिख देना, ओके जब भी इसका थीटा निकालोगे तो। तो ये हो चुका है, चलो दो क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लो, बिल्कुल ऐसे ही और दो क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर खाली थीटा लेते समय ध्यान रखना है कौन से क्वाड्रेंट में है, स्क्रीनशॉट ले। अब क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड और फोर्थ भी बिल्कुल वैसे ही है, क्या करना है, पोलार कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कार्टेशियन दिया है, कार्टेशियन दिया है तो आप क्या करोगे, एक्स कॉमा वाई ले लो इसको, तो ये जो एक्स की वैल्यू है 1 ऐसे लिख भी सकते हो और वाई की वैल्यू -√3 ऐसे दिखा सकते हो। देन आर कैसे निकालते हो, वी हैव आर इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था x² + y², सो आर इज इक्वल टू रूट, अब x² यानी क्या 1² और y यानी क्या है -√3², सो आर इज इक्वल टू रूट 1² 1 -√3² माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, सो दैट इज √4, सो आर वैल्यू इज इक्वल टू 2, आर आ गया। अब थीटा निकालना, थीटा के लिए आप क्या करोगे, वी हैव ऑल्सो हैव एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये यूज करो, सो एक्स वैल्यू कितना है देखो 1 आर 2 इंटू कॉस थीटा एंड यहाँ पर वाई क्या है देखो -√3 इज इक्वल टू आर 2 साइन थीटा, एकदम ध्यान से देखना, कॉस थीटा क्या आएगा 2 यहाँ है तो 1/2 ऐसे लिखते, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, चलो कॉस थीटा आया एंड साइन थीटा कैसे आएगा 2 यहाँ पर आया तो -√3/2, तो यहाँ पर लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब देखो कॉस थीटा और साइन थीटा तो आया है बट मुझे थीटा स्पॉट करना है, सबसे पहले हम बताएंगे कि यहाँ से मैं इसको आगे करता हूँ कि ये जो 1, सिंस 1, -√3 लाइज इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखो 1, तो ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, नहीं याद आ रहा तो देखो इस तरह से ये प्लस माइनस होता है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर, ओके और ये क्या होता है π/2 π 3π/2 और ये 2π, ओके तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 2π माइनस लेते हैं, ओके अब क्या हो जाएगा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये प्लस और माइनस होता है, प्लस माइनस इससे पता चला ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको ट्रिक दिया था 2π - θ लेना चाहिए। अब यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ दिया है, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ कॉस थीटा, यहाँ सिंस देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस, अब बोलो हाफ कब होता है, कॉस 60 होगा तो हाफ होता है कॉस π/3, लेकिन ये 60 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यहाँ 60 डिग्री, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए क्या, नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट चाहिए, बिकॉज ये प्लस माइनस है प्लस माइनस, तो हमको यहाँ आना पड़ेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम 2π - θ लेते हैं, तो ये देखो ये कॉस थीटा है ना, इस कॉस को ऐसे ही रखो, इसको करो 2π - θ मतलब π/3, तो कभी भी 2π- या पाई माइनस करते हैं तो कॉस का कॉस रहता है, अब ये 2π- यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है, 2π- फोर्थ में सी पॉजिटिव होता है तो कॉस का कॉस प्लस में ही रहेगा माइनस नहीं होगा, इसको सिंप्लीफाई करो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 × 2 = 6π - 1π तो 5π/3, कंपेयर करो दोनों को थीटा क्या आ गया 5π/3, तो इस तरह से आपको थीटा मिल गया, आर कितना आया था 2, तो अब यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर पोल रिक्वायर्ड पोलार कोऑर्डिनेट्स आर क्या आएंगे देखो 2, 5π/3, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपने यही पहचान लिया, और यहाँ पर अगर ये साइन यूज़ करना है तो साइन यूज़ करो या कॉस, कोई भी दोनों में से यूज़ करना है, दोनों की ज़रूरत नहीं है, बट हम क्या करते हैं
आप चाहिए तो ये वाई का साइन थीटा जो है ये नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ आर इज इक्वल टू आर एक्स इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा से ऐसे करोगे तो भी चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो दिया हुआ पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में उसके अकॉर्डिंग थीटा लाना, नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो कॉस थीटा कॉस पाई बाई थ्री हो गया, थीटा पाई बाई थ्री, बाद में यहाँ थीटा पाई बाई थ्री लाया, आंसर रॉन्ग हो गया। क्यों? ये पॉइंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में था ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको भी देख लेते, फोर्थ वाला इक्विवेलेंट करो आर कॉमा सॉरी ये क्या दिया हुआ है, ये पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है, तो आप एक्स कॉमा वाई करोगे। सो एक्स की वैल्यू ये 3/2 है और वाई की वैल्यू ये है। अब आर निकाल लो, सबसे पहले वी है आर, आर क्या है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो आर क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 3/2 द होल स्क्वायर प्लस वाई क्या है देखो 3√3/2 द होल स्क्वायर। सो आर आ गया यहाँ पर 3/2 यानी 9/4 आया, यहाँ √3^2 और 3 3 3^2 9, 9 3 27/4 आया। सो आर इज इक्वल टू 27 + 9 क्या 36/4, 4 9 जा, सो √9 क्या आया, √9 मतलब 3। सो आर की वैल्यू हमें यहाँ से 3 आ गई। अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब थीटा निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है हमेशा की तरह, वी है इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एक सिर्फ कॉस लोगे तो भी चलेगा, देखो दोनों पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेट्स देख रहा हो दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों भी प्लस होते हैं बराबर। चलो तो ये दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। सो एक्स 3/2 है इज इक्वल टू आर, आर तो 3 है इंटू कॉस थीटा, चलो उसको हम नहीं करते, हम इसको ही करके देखते हैं। सो कॉस थीटा कैसे आ गया, ये 3/2 था, ये 3 नीचे आ गया इंटू 3, 3 कैंसिल, सो कॉस थीटा आ गया 1/2, तो कॉस थीटा 1/2 कब होता है, कॉस पाई बाई 3 होगा तब 1/2 होता है, ठीक है। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दोनों भी प्लस है, तो यहाँ लिखोगे सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस तरह से आपको लिखना है, ओके। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलार कोऑर्डिनेट्स आर क्या आ जाएगा, आर क्या है 3/π/3, ओके। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका फोर्थ क्वेश्चन खत्म हुआ। सो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज है 3.2, ये लास्ट ईयर का जो ओल्ड सिलेबस था उसके अंदर 3.1 एक्सरसाइज था, मोस्ट ऑफ यही क्वेश्चन थे, और 3.1 एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था पिछले साल। अब क्या किया गया है, पिछले साल का पूरा जो सिलेबस रीअरेंज किया है, इसको 3.2 में लिया है। पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के से रिलेटेड जो मेन दो क्वेश्चन थे आज हमने इस वीडियो में किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो भी क्वेश्चन हैं वो अब सब ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट का सिर्फ सिंगल वीडियो बना के दूंगा, जिसमें पूरे ट्रायंगल के सारे फॉर्मूले, तब तक आप याद रखो साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, ये जितने भी रूल है सब आपको याद रखने, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जो पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो ट्रिक था बहुत ईजी था, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। स्टूडेंट्स आपको बता दूं हमारी जो सीरीज चालू है उसमें मोस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, और ये चौथा चैप्टर चालू है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये भी आने वाले 2-3 दिन में हम फिनिश कर देंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी साथ में लेने वाले। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मैथ्स का जो न्यू सिलेबस है उसके लेक्चर्स आने शुरू हो गए हैं, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियोस पहुंचाओ, उनको इस सीरीज से जोड़ो, उनको बताओ कि ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये सीरीज़ है। इस अगर इस सीरीज से कनेक्ट हो जाते हो तो आपके 12th स्टैंडर्ड के न्यू सिलेबस की पूरी बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो जाती है, बोर्ड के साथ साथ एंट्रेंस की भी तैयारी यहाँ पर होने वाली है। स्टूडेंट्स अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो क्यों नहीं जुड़े, जल्दी जुड़ जाइए। नाम है HSC Science DG, ये आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पर सर्च कीजिए और ये ग्रुप आ जाएगा हमारा जो है HSC Science का, उसमें ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पर दिनेश सर टाइप करोगे तो चैनल भी आ जाएगा, वहाँ सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह मैं देते रहता हूँ। आप लोगों को ये जो चैप्टर्स है उसके बेसिस पे मैं टेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स आ रहे हैं चैनल पर, चैनल से बने रहो, वीडियोज़ को शेयर करते रहो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके रखो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते दोस्तों नए वीडियो।